राधे राधे भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। अभी हम वृंदावन की ऊंची इमारतों में खड़े हुए हैं भाई, ऐसे कुछ अपने फ्लैट के अंदर पड़े हैं। सुबह हो चुकी है, 8 बज गए हैं, मैं नहीं गया रनिंग वनिंग पे, 12 बजे सोए थे। और फिर अब इतनी ज़रूरत नहीं है कि हाया बाहर आके भी जाऊँ, इसलिए आई डिड नॉट गो। तो भाई आपको मैं टूर देता हूँ लिटिल लिटिल सा, कैसे यहाँ पे फ्लैट्स होते हैं वृंदावन में। ये भाई साहब ने खरीदा था 60 लाख रुपीज़ का, आज से 6 महीने पहले। तो काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है। एक मिनट दिखाऊँ क्या, दिखाई दे। चलो आपने कैसी बात कर दी यार। ये देखो ऐसे फ्लैट से होते हैं ना, तो ऐसे इसमें इस तरीके से आप एंट्री करते हो। तो ये डाइनिंग टेबल मतलब फर्निश्ड है, सोफा कम बेड अपने यहाँ पे मिल जाता है। ये वाला वॉलपेपर पर काफ़ी गुड लग रहा है यार, मतलब डिज़ाइन वाली चीज़ें होती हैं इनके पास, तो हैवी डिज़ाइनर होते हैं ना ये जो अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं। और इतनी बड़ी यहाँ पे 1 BHK है, यहाँ पे इतनी बड़ी भाई ये किचन दे रखी है, बहुत ही बड़ी है। ये लिटिल लिटिल सा यहाँ पे वॉशरूम है इस टाइप से, ये देख लो सही है। और ये है अलमारी, और ये है रूम जहाँ पे भाई सो रहे हैं। जब उठ जाएंगे रूम के दर्शन आपको तब दे दूंगा, वो भी काफ़ी गुड है। मतलब इतना बड़ा हॉल है, इसमें 2 BHK आराम से निकल सकता है, मतलब उन पर ढंग से नक्शा बनाना आया नहीं, नहीं तो 2 BHK तो आराम से मार सकते हैं। और हॉल इतना बड़ा कर दिया, वॉशरूम थोड़ा छोटा कर दिया। भैया मेरे को डिज़ाइनर रख लो यार, देखना बालकनी कितनी बड़ी है, और बालकनी से व्यू भी काफ़ी गुड है। और भाई राधे राधे भाई, क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, बिस्लेरी पीते हो यार आप लोग। भाई ये आज से नया ब्रांड पियो बिस्लेर, उसके अंदर आपको कोई विटामिन मिलता है, विटामिन सी ए बी डी कुछ भी मिलता है इसके अंदर मिलेगा, बिस्लेर के अंदर फ्लेवर ड्रिंक विद विटामिन सी। भाई जो बाबा आजकल मीम वगैरह बहुत फेमस हो रहे हैं ना कि 70 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाए, उनका आश्रम यहाँ पे है। पर अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब ऐसा आश्रम वगैरह खोल के अपना गरीब लोगों को फ्री में खाना पीना सब बढ़िया देते हैं। वृंदावन में फिलहाल हम घूम रहे हैं, और तनिष ने देखो अपना रियलमी भाई 15 प्रो में कन्वर्ट करवा रखा है, पूरा डिट्टो लेंस में, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो जाता है यार आजकल। सही है, 15,000 का फ़ोन लेके 1,000 रुपये ऊपर से लगाओ और 15 प्रो के मजे लो। ऐसे ही है भाई, ज़िंदगी चलती रहती है, फेक वर्ल्ड है, फेक दुनिया। चलो हम एक्सप्लोर करते हैं भाई वृंदावन, क्या करते हैं क्या नहीं इधर। और भाई ये परिक्रमा मार गए, इधर काफ़ी लोग अपना मस्त परिक्रमा लगाते रहते हैं, देखो लेट लेट के भी भाई बहुत लोगों। तो अभी आ गए हैं भैया हम अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लिटिल लिटिल सा, आज वर्कआउट वगैरह पे नहीं गया, कभी कभी चीट मील चल जाती है, ऑलरेडी इतना पतला हो रखा हूँ, क्या करूँगा इतने पतलेपन का, लाइफ में लिटिल लिटिल इन्जॉयमेंट भी तो चाहिए। यहाँ पे ना सब बिना प्याज व्याज का मिलता है, प्याज लहसुन का। और ये बंदा ए ए ए ए ए ले वो भाई, बड़ा रिस्की है यहाँ के बंदरों का मैटर। तो ये चला चला भाई सही है ऐसा, चल भाई कह रहे चल तू हमारे साथ चल, तो पढ़ाएंगे हम ऐसे इन्हें लेके आ जाऊँ मैं फटाफट। देखो अब भी देख रहे हो कि लगवा लो। और एक नई ट्रिक और सीख रखी है, हाँ भाई जो बच्चे और ये वैसी लेडी होती है ना, भैया पैसे नहीं मांगूंगी, मुझे आटा दिला दो, मुझे मिर्च दिला दो, मुझे ये दिला दो। अरे तो कह तो रहे हैं चल तू पढ़ी हो, चल आ जा तुम्हारे घर, चलो हमारे गैल तुम्हारे गैल चल ना चल। हाँ जी भाई सुनाओ जी, बढ़िया जी ठीक है जी। अरे मां नहीं जाएगा तो ही ना माने को हाय करते हाय हाय क्या सुनता नहीं था, माला पहना था। हेलो राधे राधे। अरे पहले 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 चलो अरे बाबू केस ना लेकर स्कैनर दे, लाओ स्कैनर करो दे ये रहा देख ने सब ट्रिक सीख रखे इन्हें। हाँ सीखेंगे दीदी जी। चल ठीक है बाबू पढ़ाई कर ठीक है चल। भाई बहुत मस्त दर्शन हुए, और देखो जब आप अनप्लैंड आते हो ना तो आपका घर यही बन जाता है, गाड़ी तेल हो गई, क्रीम क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गई, और तो आपको ऐसे इंडिविजुअली खरीदना पड़ता है ये सब। और घर से जब प्लानिंग के साथ चलते हो तो घर से उठा लाओ लत्ते भत्ते सब चीज़। और यहाँ पे देखना पूरी मार्केट सी यहाँ पे बनी पड़ी है, पर जो इंस्टेंट ट्रिप्स होते हैं ना इनका भी एक अलग ही मजा आता है यार। भैया हम डोलते डोलते आगे आगरा, तो भाई ऐसी बात है आगरा हम आ तो गए ताजमहल देखने के लिए,
लेकिन फिर याद आया, अरे जो हमारे तीसरे भाई हैं वो तो रह गए यार वहीं, हम वृंदावन ही छोड़ा है उनको। फिर हमने कहा अब नहीं भाई, ऐसे हम नहीं करेंगे, हम अकेले अकेले नहीं घूमेंगे। हालांकि धूप बहुत हो रही थी तो हमारा मन उससे भी छट गया था, लेकिन भाई ये जो बादल है ना हम ये भी आ गए। लेकिन हम बिना भाई के अपने कैसे घूम सकते हैं, वो भाई कहेगा कि हो रहा है मेरे बिना ताजमहल घूम रहे इतनी दूर, और बताइए फिर। अरे हमें है भी ना यार ताजमहल में, कहा है मतलब अच्छा है पर बहुत बार देख चुके हैं तो वैसे कुछ एक्साइटेड सा हमको तो पर्सनली लगता नहीं है। गर्मी है और भाई हम मांगे लिटिल लिटिल से स्कैम टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, कून इन फालतू की आफत न पड़े। क्योंकि एक अल्लाह मैंने टिकट करवाई आर्कोलॉजिकल सर्वे थे भाई, वो पता नहीं क्या हुआ, पेमेंट भी कट गई टिकट भी नहीं आई, दो तीन अल्लाह में जाके टिकट आई, फैमिली गए लो तो लेनी पड़ेगी, फिर तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा मूड ऑफ हो गया था तो, और वहाँ गर्मी इतनी लगती है, अंदर जाना है आपको ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने झट गाड़ी दी मोर अपनी की, छोड़ भाई पर रहें दे, हमें ना देख लो ताजमहल, दोबारा वृंदावन चलते और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मंदिरों के वहीं पर दर्शन करेंगे। और अभी एक घंटे दूर है था अभी वृंदावन, तो कहने पीछे छोड़ आया हमें, एक घंटा ड्राइव भाई। वापसी आ गए फ्लैट पे, ये वेज बिरयानी पैक करवा लेके आ गए थे, भाई को छोड़ा है मन, भाई ताजमहल देखने चलते, आप होते ताजमहल देख के आता, आपको आपकी वजह से हम वापसी आ गए कि अकेले नहीं जाएंगे आपके बिना। उसमें तो मिर्च बहुत थी, हमने फिर ये मंगवा लिया जोमेटो से, जोमेटो का भी ठीक खाना है इधर। अभी आ रखे हैं इस्कॉन टेम्पल और यहाँ की जो वाइब्स हैं बहुत बढ़िया हैं। अब आ गए तो हम लोग शाम में के मंदिरों के दर्शन करते हैं, यहाँ से फोटो फिर अपना प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, वही हम लोग अभी ले रहे हैं। फिर अब चलेंगे राधा रमन मंदिर की तरफ, नेक्स्ट चलते हैं भाई राधा रमन। अभी प्रेम मंदिर का तो हमारा मन नहीं करता, प्रेम मंदिर में हम तब से जा रहे जब हम कभी छोटे छोटे बालक हुआ करते थे ना, अब वो लाइट वाइट देख के ठीक है, लेकिन उधर जो भीड़ रहती है ना वो असहनीय भीड़ है भाई, मतलब कटामरी जिससे कहते हैं ना, सांस तक नहीं आती, इतनी गंदी भीड़ है वहाँ तो भाई। और मतलब हम देख भी बहुत बार रखे हैं तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन में, जैसे राधा रमन है वहाँ पे कभी नहीं गए तो आज चल के देखते हैं। तो दोनों जा रखे हैं, आई हैड नेवर बीन देयर, जाए भी कैसे, हम तो जब भी आते हैं ना पर्सनली जैसे घर वालों के साथ है कभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई वहाँ चले गए प्रेम मंदिर मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सीधा आते हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं इस्कॉन में आ गए और यहाँ से फरार। इसके अलावा तो मैंने कोई मंदिर देखा ही नहीं कभी, मतलब वृंदावन में इतनी बार आ गए, इतनी बार यहाँ पे पास में रहते हुए, यहाँ पे जैसे ना निधिवन देखा, कोई पागल बाबा का मंदिर है वो कभी नहीं देखा, कोई भूत मंदिर है वो कभी नहीं देखा, देखा ही नहीं है, जन्मभूमि तक नहीं देखी हमने तो बताओ, ना कभी बरसाने का मंदिर देखा राधा रानी का कभी भी, ना कीर्ति मंदिर देखा, कुछ भी नहीं देखा भाई कभी। बस ये बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ भी पिछली बार देख लिया था जब आए थे दुर्बायर में, वो भी तब देख लिया था बस, वरना तो देखा ही नहीं, दो तीन मंदिर ही देखे हैं बस यहाँ पे। क्या पुलिस चौक में पार्किंग करवाते हैं लोग और इसी में पार्किंग अमाउंट भी लेते हैं। वाह भैया वाह, कहाँ बैठ गए अभी सरगना जी, चलो भाई यहाँ भैया आगे नहीं जाने देते, इसलिए कौन पिंचर करेगा जी ऐसे कैसे, टपकता हो रहा है तो टम्पो इसका, टेप से थ्रो रख रखा है छेद, जब भी नहीं रुक रहा, हाथ मत जोड़ो, राधे राधे बोलो, राधे राधे, ऊपर से पाला देगा राधा रमन आ रहे हो, ऊपर वाला देगा राधे राधे बोलो, ऊपर वाले से वो देगा, हम कौन है देने वाला, देख क्या करो ऊपर वाला कहाँ देता है, ऊपर वाला नहीं दे रहा, इनकी बात भी सुन लो, कह रहा नीचे वाला दे नहीं रहा, ऊपर वाला जब देगा। भाई हम राधा रमन के दर्शन कराए हैं और देखो हमारे भाई से मिलो, भाई अपना नाम बताओ, अनुज हमारी वीडियो देखते हो भाई, हाँ चलो बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के, भाई यहाँ पे हम परिक्रमा मार्ग में थे और भाई मिल गए हमको, काफी ऐसा सिस्टम है भाई हमको, और पुलिस स्टेशन से तो राधा रमन जी के लिए वो मिल गया था ऐसा टम्पूसा मतलब रिक्शा, अब नहीं मिल रहा भैया, जो सुबह वॉक नहीं करी ना वो अब हो रही है, दो तीन किलोमीटर वो पुलिस चौकी से दुनिया भर के, हमने पूछ लिया है, कोई
कोई चलने को राज ही नहीं है वहाँ तो चल देंगे, मतलब सब वाके बिहारी प्रेम मंदिर सब जगह, वही नहीं जाना है बस इनको भाई ऐसी से पैदल पैदल वो कर रहे हैं। चलो वो चाप चूप मंगाई थी सब पस्त हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है चलो आए हैं बेहतरीन से रेस्टोरेंट पे, हमें होटल सा है कोई प्रीमियम साइज पे मस्त वो मिल जाता है खाना। भाई अभी हम ऐसे रेस्टोरेंट में आ गए, अब इसने खाया तो हम इसे रेडियो का है, अब यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट पे आके प्रीमियम सा है भाई। अब ये कह रहा पास्ता खाऊंगा, मैं कह रहा कर ले ऑर्डर कौन सा करेगा। अब इनमें बायन का नेपोलिटाना वर्डे एलफेडो प्रीमेरा निष्ठा लेना, इन्हें समझ तो आया नहीं, तो कह रहा इनमें नीचे पढ़ लेता हूँ भाई। अब देखते हैं इनमें वाइट सॉस पास्ता कौन सा होता है जिसमें रेड सॉरी मिक्स क्या तुझे मतलब है। अभी ट्रांसपेरेंट वो खोल रहा था अभी अपने ट्रांसलेटर, अरे खोल ले तो क्या हो गया, इटालियन से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है कर ले तो क्या हो गया। भाई अब हम आ गए हैं, पिज्जा वीजा मंगवा लिया हमने इस तरीके का। भाई ये घड़ी देखना कैसी लग रही है मेरे हाथ में, पोजल की ये ऐसी है मैकेनिकल वाली, इसमें सेल वेल नहीं होते अपने आप चलती रहती है अंदर, देख रहे हो आप। अरे कैमरा फोकस कर ले, ये देखना कैमरा भाई, ये तो एप्पल वाली डेड हो जाती है तुरंत ही, ये तो किसी काम की नहीं है। मैंने बताया ना ये चार्जर वार्जर हम कुछ भी नहीं लेके आए थे, तो इसका चार्जर तो कहाँ, इसको तो बेचारी को हर 12-13 घंटे में चार्ज सही होता है। तो एक सोच रहा हूँ बट इसका मुझे ये पक्का सा पसंद नहीं है, मतलब इतना खास ऐसा निकलो वाला। सो सजेस्ट मी गुड वॉच जो ऐसे मैकेनिकल ना, टाइम तो कम से कम बताए यार कि मेरा वक्त क्या चल रहा है, ये तो ख़त्म ही हो जाती है, वक्त ही ख़त्म हो जाता है पूरा ही, ना अच्छा चलता ना बुरा चलता यार। भाई गैल ही नीचा का पड़ेगा और उसको पीछे तो गाड़ी है कोई, इतनी जल्दी तो ब्रेक लगना जाएंगी, एडास बढ़ा के कुछ भी काम नहीं आएगा, एडास भी कहेगा ऊपर से क्या टपक पड़ा एकदम से, भाई मतलब खत्म ही हो जाएगा बंदा तुरंत ही। आ गए भैया घूम फिर के पूरा वृंदावन जय हो एक्सप्लोर करके अपने घर पे, होम स्वीट होम, मस्त सोसाइट है भाई एक नंबर, एक खतरनाक। फ्लैटों का रहना तो अच्छा है, मतलब गार्ड फाड़ पार्किंग डिसिप्लिन, किसी को किसी को मतलब नहीं है, कोई चोली चाटी बाद में आओगे क्या। ओके ओके चलो भैया सबको अपने घर परिवार की सोचनी पड़ती है, लिटिल लिटिल सी बसाना है ना, खैर इनको तो अभी इनका क्या करें जिनको कुछ है ही नहीं, सब उजड़ गया, बसा बसाया परिवार खत्म। बस एक लिफ्ट अच्छी नहीं है इसकी, लिफ्ट इज सो बकवास, एक तो स्लो ऊपर से बहुत जल्द देखना भी जब आएगी ना, इतनी छोटी छोटी सी मंदे टाइम की है भाई और भाई जो मैं फ्लैट आपको दिखाया 60 लाख रुपये का मात्र, बताओ 60 लाख रुपीज़ का, अच्छा मैंने अभी तो 80 लाख का हो गया क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट वृंदावन हो चाहे कहीं भी हो ऐसे बढ़ रहे हैं, बट 60 लाख रुपए में उसमें कोई घाटा मुझे तो पसंद लगा नहीं। जैसे मतलब फर्निश्ड दिया है सोफा वोफा बेड वेड, मेरे साथ बाप को वो बेडरूम का दिखाया नहीं, चलो अभी चल के दिखाते, देखो कितनी सी लिफ्ट है भाई और स्लो इतनी है, और इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है एक लिफ्ट है उसमें इतनी सी देखना, कतई कंजस्टेड सी यार, इतना पैसा लगा रखा है, इतनी हर चीज इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी है, जैसे वो गैलरी वैलरी होती है सीबी प्लस के कैमरे हर जगह, यहाँ में भी है पता, लिफ्ट में भी कैमरे नहीं है, लिफ्ट में गोश्त कटिंग कर दी लोगों ने, स्लो देखो कितनी है 4-5 बुर्ज खलीफा में लगा दिया ये, तो बेचारों के घंटों घंटों तो उसी में लग जाए, वैसे तो अच्छी कंपनी की है। और 15 फ्लोर है बताओ, अगर मान लो हमको 15वें फ्लोर पे जाना हो तो भाई कितनी देर ले आ रही हो, 7वें फ्लोर पे ही चलो पहुंचा देती है वैसे तो। देखो अब जैसे ये गैलरी भी भाई कितनी अच्छी है, साफ सफाई भी काफ़ी गुड है, नहीं तो जैसे मैं पिछली बार वृंदा बनाया था उसमें मैं ओमेक्स में रुका था, ओमेक्स भी अच्छी है यहाँ पे, उसमें तो चुर्री चुर्री इधर उधर वो थोड़ी ज़्यादा मतलब हाईफाई डेवलप्ड है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे नहीं रहते भाई ज़्यादा लोग। ये तो लग रखा है लाइट जलानी है यहाँ पे, ये देखो भाई महक बन रही है बिरयानी की, ये इसमें सोफा बेड है, मैं दिखाता हूँ चलो ढंग से रूम टूर दे देता हूँ जब बात छेड़ लिया तो। ये देखो लाइट वाइट मस्त, यहाँ पे किचन आ गई है मस्त, ये वॉशरूम तो मैंने दिखाई दिया था, ये है बेडरूम, ये देखना पंखा चलो ये छोड़ गए हम, ये देखिए भाई कोई कमी वार कमी है हैं, या टीवी फीवी लग जाए, यहाँ पर्दा इधर अलग बालकनी है उधर साइड अलग बालकनी है,
एसी भी लगा के दिया है, ये चेयर चूर डाल के दिए है 60 लाख रुपए में। मतलब कोई भी घाटा नहीं है किसी भी तरीके का। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ अलमारी है। मतलब ऐसे ही कपल वपल रहना हो या कभी कभार, जैसे इनका है कभी कभार का आना है वृंदावन, हर 10-15 दिन में जैसे आते रहते हैं वीकली भी, तो ऐसे होटल वोटल में रुकना नहीं पड़ता है, फिर अपना यहीं पे आके पड़ जाते हैं। 4 जने तो आराम से लेट जाएं, 2 वहाँ 2 यहाँ, और ये अपनी मस्त गैलरी हो गई जिससे अपना बाहर का व्यू ले सकते हैं। मैं कह रहा भाई से, भाई मुझे भी दिला दो एक, 60 लाख रुपये में तो कोई घाटा नहीं है, यहाँ आके पड़ जाओ जब लाइट वेट की ट्री में दिक्कत हो। तो भाई कह रहे भाई यहाँ पे थोड़े स्कैम और फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब ये भी इनको बहुत मुश्किलों से मिला था, शाही दे देते थे फिर उल्टी आ जाती थी। तो इधर है प्रॉपर्टी का थोड़ा सा दिक्कत, और बहुत डीलर मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मार्जिन मार जाते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए का। और अभी यहाँ कॉरिडोर बनना है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट भी थम गए हैं, इतने हाई मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। और मतलब बता रहे थे कि कॉरिडोर की वजह से थोड़ी दिक्कत है प्रॉपर्टी की इधर, और ट्रस्टेड लोग यहाँ पर थोड़े कम मिलते हैं, एक दिक्कत ये भी है। बाकी बेड बहुत कंफर्टेबल है भाई, दे पोला भाई फ्लैट पे हम लोग आ चुके हैं, अब बाद में मिलते हैं आपसे। आ जाओ अंदर आ जाओ, आप कितने चबी हो, पिज्जा खा के और आए हो। तो भैया आओ हम आपसे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। बाय 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 बाय। अरुण कुमार एक्स में फॉलो कर लो, तनिष कपूर एक्स में फॉलो कर लो, शक्लें याद कर लो।